नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू अवर पेज विशाल एजेंसी सिल्लोर। आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि है लोहा, लोखंड, सरिया, स्टील। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आपको जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको देखनी चाहिए तीन चार जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। एक तो जो भी स्टील आप लेते हैं वो ओवर साइज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है उसका वेट जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है उसी रेंज में होना चाहिए। अगर आप ओवर साइज यूज़ करते हैं तो इससे आपको अगर लगता है कि आप बड़ा मतलब ज़्यादा वेट वाला यूज़ करके आपकी बिल्डिंग का फ़ायदा कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। आप इससे बिल्डिंग का बोझ बढ़ा रहे हैं, उस पर आने वाली स्ट्रेस, उस पर आने वाला लोड बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका वेट होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि स्टील जो आप लेते हो वो हार्ड नहीं होना चाहिए, लवचिक होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर वो हार्ड होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि ग्रेड कितना है, 500 ग्रेड है या 550 ग्रेड है। और एक चीज़ ये है कि यूनिफॉर्म है या नहीं, समान है या नहीं, ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और इसी तरह के बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टिप्स और अच्छे मटेरियल के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेहतरीन क्वालिटी का स्टील खरीदने के लिए विज़िट कीजिए विशाल एजेंसी सिल्लोड। धन्यवाद।